माँ जी, जब माँ के पेट में बच्चा जाता है तो आत्मा कब प्रवेश करती है? वो आत्मा के प्रवेश करने का समय सब भगवान के ऊपर निर्भर होता है, वो प्रारंभ में ही प्रवेश कर जाती है। जिस समय रजबीज का संयोग होता है, गर्भाधान कहते हैं उसको, गर्भ धारण हो गया उसी समय आत्मा का प्रवेश हो गया। और किसी किसी में वो एक फिजिकल बात हो जाती है, इसलिए आत्मा प्रवेश करती ही नहीं तो वो गर्भ गिर जाया करता है। किसी किसी में शरीर का निर्माण हो जाता है पूरा, तब आत्मा आती है। लेकिन वो सब न कोई कर्म है न उसका कोई फल है, और पैदा होने के बाद भी वो जब तक बालक है तब तक उसके कर्म का हिसाब किताब नहीं होता है। जब बालिग हो जाता है तो 16 वर्ष की उम्र में बालिग माना गया है शास्त्रों में, तब से उसके कर्म माने जाते हैं, क्योंकि ज्ञान युक्त तो अब हो गया हो, अबोध अवस्था के उसके कर्म को क्षमा कर दिया जाता है। जैसे पशु पक्षी के कर्म को क्षमा कर दिया जाता है, क्योंकि वह अबोध है, शास्त्र वेद का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए वो रियायत कर दिया है। लेकिन जब शास्त्र वेद ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता हो गई और फिर भी नहीं करता तो क्षमा नहीं। जैसे तुम बीमार हो, उठ नहीं सकती हो, मैंने कहा पानी लाओ, तुम नहीं उठ के ला सकी तो अपराध नहीं है। और तुम हट्टी कट्टी हो, मैंने कहा पानी लाओ और तुम नहीं उठी तुरंत खुशी खुशी, ये अपराध हो गया गुरु के।